अलीगढ़ में मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। दहशत, भय और असुरक्षा की भावना से समाज का हर वर्ग चपेट में है। BJP राज में बच्चियां तक सलामत नहीं है। उनके साथ हैवानियत की घटनाओं पर सरकारी रुख संवेदनहीन ही दिखाई देता है। जनता में इससे भारी असंतोष और आक्रोश है। अखिलेश ने कहा कि अलीगढ़ में जिस तरह 2.5 साल की बेटी से नृशंस व्यवहार और हत्या की गई, वो दिल दहलाने वाली घटना है। 30 मई से बच्ची लापता थी और 2 जून 2019 को उसकी लाश कूड़े के ढेर पर मिली। पुलिस का पहले दिनों से ही लापरवाह रवैया इस मामले में नितांत निंदनीय रहा है। सरकार की गैर जिम्मेदारी की ये पराकाष्ठा है। कार्रवाई की मांग करते हुए अखिलेश ने कहा कि इस अमानवीय और घृणास्पद घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस कांड का संज्ञान लेकर निष्क्रिय पुलिस अफसरों को भी दंडित करना चाहिए था, लेकिन अभी तक कड़ी कार्रवाई का न होना काफी दुखद है। और ये तस्वीर है UP में व्याप्त जंगल राज की। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हर ओर से आवाज उठ रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर प्रशासन नींद से कब जागेगा और ऐसी घटनाओं पर रोक कब लगाई जाएगी।